तो चलिए आज हम सीखेंगे किस प्रकार से पीसीबी के द्वारा हाउस वायरिंग किया जाता है। बिल्कुल जीरो लेवल से जमेंगे और जब चाहे जहां चाहे तहां आप अपने घर के अंदर पीसीबी का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है ना। इसमें हम बोर्ड के अंदर भी लगा के बताएंगे और डायरेक्ट भी लगाएं किस प्रकार से कर सकते हैं। पीसीबी एक ऐसा माध्यम होता है जिससे उपयोग करने वाला व्यक्ति बिना सीट से उठे ही पूरे सिस्टम को ऑन ऑफ कर सकता है। अभी तक आपने देखा होगा कि सिर्फ आपके टीवी की जो चैनल थे ना उसी को रिमोट द्वारा आप कंट्रोल कर सकते थे, जब चाहे तब चेंज कर सकते थे। लेकिन ये जो पीसीबी ऐसा चीज आ गया है कि इसके माध्यम से आप जब चाहेंगे तब अपने घर के अंदर पूरे उपकरणों को, यानी जब चाहे आप फैन को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे आप अपने बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, जब चाहे सॉकेट को ऑन ऑफ कर सकते हैं, यानी जब चाहे तब इस रिमोट को बेड से बैठे बैठे, इस रिमोट के द्वारा बेड पे बैठे बैठे पूरे सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप देखेंगे कि कुछ हमने उपकरण भी लगाकर यहां पर रख दिया है और बिल्कुल लाइव हम चला करके बताएंगे किस प्रकार से पीसीबी का इस्तेमाल किया जाता है। पहले हम पीसीबी के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। इसमें आप देखेंगे ना तो एक तरफ चार तार होंगे और एक तरफ तीन तार होंगे, ठीक है। इधर तीन तार होंगे, उसमें दो ब्लैक तार होगा और एक ठो रेड तार होगा और एक तरफ आपके कई कलर के तार मिल सकते हैं। हो सकता है कि और ज्यादा आप कास्ट की लेंगे तो इसमें छह तार भी आते हैं। कितने आते हैं? छह तार। लेकिन इनपुट कराने के लिए कितने तार? तीन ही तार होंगे। इसमें एक रेड होगा, दो ब्लैक होगा। तो ब्लैक वाला सबको पता है न्यूट्रल होता है, तो इसमें से दोनों में से हम किसी से न्यूट्रल इन और किसी से आउट करा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ई वाला जो तार होता है हमेशा फेस का होता है। अब धीर आपके लोड के लिए होते हैं, किसके लिए? लोड के लिए। और जो ए वायर दिख रहा है ना, ये सेंसर वायर होता है। क्या होता है? सेंसर। यही सेंसिंग करके इस रिमोट के द्वारा हमारे उपकरणों को ऑन ऑफ कराता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे रिमोट में कुछ फंक्शन होते हैं। यहाँ पर देखिए कुछ वाईफाई का सिस्टम दिया रहा है और ये सेंसिंग का डिवाइस कर रहा है, ठीक है। यहाँ से सेंस किया जा सकता है। अब देखिए ध्यान से देखेंगे इसके अंदर होल है कि नहीं है। इसके अंदर रिमोट में आगे यहाँ कुछ लगा होता है लेकिन इसके अंदर देखिए कुछ होल दिया गया है। इसी होल से हम क्या कर सकते हैं? ये सेंसिंग करवाता है, कैच करवाता है इसको और ये तुरंत अपने उपकरणों को ऑन ऑफ कर देता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कुछ फंक्शन लिखे होंगे ए बी सी डी ऑन और ऑफ। तो ए वाले को दबाएंगे तो इसके अंदर जो ए का सर्किट हो जाएगा चालू हो जाएगा, फिर ए वाली बटन को दबा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। जब जब आप इसको दबाएंगे तब तक यहां पर देखेंगे बत्ती जलती हुई दिखाई देगी। देखिए जैसे हम दाब रहे थे यहां पर रेड कलर हल्का जल रहा है ना, यानी कि ऑन हो रहा है, यानी कि ऑन ऑफ हो रहा है। अरे बत्ती ना जले तो हम समझ जाएंगे कि पीछे इसकी बैटरी क्या हो चुकी है, डाउन हो चुकी है। पीछे की साइड में देखिए यहां पर बैटरी लगती है, छोटी सी बैटरी लगती है, देख रहे हैं ना, यहाँ पर छोटी सी क्या लगती है बैटरी, यहाँ पर आपको लगा हुआ दिखाई दे देगा, ठीक है। जो कि इसमें आप आसानी से अगर खत्म हो जाए तो ला करके लगा सकते हैं। तो ये रिमोट का सिंपल सा फंक्शन होता है। अब इसमें देखिए सेंसिंग वायर होता है। अब यहां पर हमें इनका करना है कनेक्शन। क्या करना है? कनेक्शन करना है। तो बिल्कुल आसान भाषा में हम इसमें आपको कनेक्शन बताते हैं। तो ई वाला आपका क्या हो जाएगा? मेन फेस हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? न्यूट्रल। तो इसमें से हमने आपको कहा किसी को न्यूट्रल इन और किसी से आउट कर सकते हैं और ये हमारा किसका होगा? आउटपुट होगा। ये हमारा आउटपुट होगा। तो यहां पर जितने उपकरण, यानी कि चार उपकरण ही आपको चलाना है तो इसके अंदर चारों उपकरण को क्या चाहिए? न्यूट्रल चाहिए। सबको हम फटाफट क्या करते हैं? जो न्यूट्रल यहां पर जोड़ देते हैं। देखिए एक उपकरण को न्यूट्रल मिल चुका, अब यहां से किसको मिल चुका? दूसरे को मिल गया। इन सभी को एक जगह हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। देखिए सबको समझ में आया? देखिए सबको हम न्यूट्रल यहां पर दे दिया, कोई दिक्कत? देखिए एक तार का इसके अंदर काम खत्म। ध्यान से आप देखिएगा तो जिनको जिनको न्यूट्रल की आवश्यकता थी न्यूट्रल सबको मिल चुका है, ठीक है। अब देखिए अब यहां पर आपके लोड के तार है ना, अभी न्यूट्रल फेस बचा हुआ है, अब आपके किसके तार हैं? लोड के। तो हम ये जो हरा कलर का तार है इस पे लोड देंगे, इस वाले बल्ब का यहां पर हम लगा लेते हैं। देखिए इससे क्या निकलेगा? फेस निकलेगा। आ रहा है समझ में ना? देखिए यहां से फेस निकलेगा। अब यहां से हम जो आपका ब्लू वाला तार है, ये वाला हल्का सा ब्लू, इसको हम क्या दे देते हैं? फेस दे देते हैं। देखिए दूसरे उपकरण को, न्यूट्रल तो डायरेक्ट है, न्यूट्रल तो क्या है? डायरेक्ट है। यहां पर फेस मिल गया दूसरे उपकरण को, अब यहां पर हम किसको दे देते हैं? तीसरे उपकरण को। यानी इसके जगह पे कुछ भी आप लगा सकते हैं, सॉकेट लगा सकते हैं, कुछ भी। जब हम बोर्ड के अंदर आपको कनेक्शन बताएंगे तो भी सारा चीजें क्या हो जाएंगी? क्लियर हो जाएंगे किस प्रकार से किया जाता है। अब यहां पर हम किसको दे देंगे? चौथे उपकरण को। येल्लो से येल्लो हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया।
देखिए अब यहाँ पर सारा कनेक्शन हो गया, अब यहाँ पर सिर्फ न्यूट्रल और फेस देना है। तो बाहर से हम इस मेन लीड का प्रयोग करते हैं, एक न्यूट्रल का दूसरा फेस का। चलिए एक में हम रेड में क्या दे देते हैं, फेस दे देते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए रेड में हमने क्या कर दिया, फेस, और यहां से आपको इसमें ब्लैक वाले में न्यूट्रल जो कि बाहर से आएगा, जो कि आपका मेन और न्यूट्रल और फेस होगा, जो पीसीबी में इन होगा। इस प्रकार से आपने जोड़ दिया, देख रहे हैं ना, और ये सेंसिंग वायर है, और सबको यहां से देख रहे हैं कि अलग अलग क्या हो चुका है, न्यूट्रल फेस मिल चुके हैं। यहां से सबका न्यूट्रल एक जगह पे और फेस सबका अलग अलग यहां पर दिया गया है। अब हम यहां से जैसे ही पावर में लगाएंगे, इस रिमोट से हम इन सारे उपकरणों को बारी बारी से ऑन ऑफ कर सकते हैं। चलिए यहां से हम पावर लगाते हैं, देखिए ये पहले से एक एक्टिव था, हम इसको ऑफ कर लेते हैं। जो ऑफ वाली बटन दबाएंगे तो यहां से चीजें क्या हो जाएंगे, ऑफ हो जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए सेंसर वायर है, अब जैसे हम ए वाली बटन को दबाएंगे तो इसमें जो ए का सर्किट होगा तुरंत ऑन हो जाएगा। देखिए यहां से हम दबाते हैं, देखिए ऑन हो गया। अब फिर इसी को दबा देंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब हम देखिए बी वाले को दबाते हैं, बी वाला ऑन हो गया, बी को दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। फिर सी वाले को, सी वाला जल गया, फिर सी को दबाएंगे तो ऑफ हो जाएगा। फिर डी वाले को, देखिए फिर डी को दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। यदि सारे को आप एक ही बार में चालू करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, ऑन करेंगे। देखिए सारा हमारा उपकरण एक ही बार में क्या हो गया, ऑन हो गया। अब फिर एक ही बार में क्या करना चाहते हैं, ऑफ, तो यहां से किसको दबाएंगे, ऑफ। रिमोट पे ऑप्शन सारे हैं, यहां से ऑफ दबाएंगे पूरा बंद। फिर बारी से आप सबको देर तक चलाना चाहते हैं, हमने ए को चला लिया, बी को चला लिया, सी को चला लिया, डी को चला लिया, सारा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। यदि आप चाहते हैं कि एक ही बार में हम ऑफ कर दें सारे को तो फिर क्या दीजिए, देखिए ऑफ कर देंगे क्या हो जाएगा, चालू हो जाएगा। तो ये बड़ी ही कमाल की चीज है जो कि मार्केट में क्या है, न्यू आया है, जो मार्केट में अंदर क्या है, न्यू आया है। अब इसमें लगा करके आप बड़ा अच्छा इनकम कर सकते हैं और अपने घर पे लगा करके अपनी सुविधा का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो इस छोटी सी टेक्नोलॉजी को अपना करके, जैसे घर के अंदर आप क्या करते थे, टू वे स्विच लगा करके एक बल्ब को दो जगह से ऑन ऑफ करते थे, ऐसा करते थे कि नहीं, लेकिन अब वो करने की जरूरत नहीं है। अब हम क्या कर सकते हैं, रिमोट से हम जब चाहे तब ऑन ऑफ कर सकते हैं। अब उतना आपका तार बचेगा, उतना तार बचेगा, स्विच बचेगी, यानी कि आपके कॉस्ट क्या हो गए, कम पड़ गए। अब ये सस्ता ऑनलाइन मिलेगा, मंगा करके आप इसको जब चाहे अपने घर के अंदर यूज कर सकते हैं। अब बोर्ड के अंदर कैसे लगाया जाता है हम आगे आपको बताएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।